माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और सब अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, खैरियत से रखे, हर बला, हर बीमारी, हर मुसीबत परेशानी से दूर रखे। और जो मेरे बहन भाई यूएस से खास तौर पे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको शादबाद रखे, उनकी तमाम परेशानियां दूर करे। तो जी हमने जिनके घर आना था, मेरे चचा का घर है ये, और मेरे क्या कहते हैं ससुराल में भी इनके, यानी कि मेरा थोड़ा सा रिश्तेदारी लगती है ससुराल में, बल्कि ज्यादा लगती है, मेरे बेटी वालों में से नहीं है। तो मैं उनके घर पहुंच रही हूँ और मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ ये उनका। देखें हमारे आने से पहले पहले उन लोगों ने सारी सफाई भी कर ली है। ये देखें कच्चा उनका रूम है और कच्ची जमीन है, और सारे ये देख सकते हैं उनके बर्तन वगैरह सारे सेट हुए पड़े हैं। तो ये जो है ना हमारे गांव में भी ऐसे ये हो गए जैसे शहरों में हिसाब होता है ना, तो ये बिल्कुल देखें वैसे हर चीज उन्होंने ना सेट करके रखी हुई है ताकि कोई भी मेहमान आए और वो उनके साथ शेयर कर ले। तो आपको आते हैं बाहर का मंजर दिखाते हैं। सादा सा इनका घर है, ये कच्चा सा सारा। चार पीढ़ी ये जो है हमारे जो चार पीढ़ी भी चार ही है, और इन लोगों ने वो पानी भी रखा है और हम लोग पीते हैं पानी पहले, और हम लोग पी रहे हैं। मैं लूंगी आधा गिलास भैया ना आपको फुल। तो रियान का तो पूरा गिलास, मैं जो है ना हाफ लूंगी क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना मैं बहुत कम देती हूँ। पकड़ पकड़ था चल पकड़ नहीं पड़ेगी अगर पतला पतला ये जो है ना लकड़ी तोड़ी है, ये देखिए ये तोड़ा है, ये अब जलाएंगे चूल्हा, खाने की करी है तैयारी क्योंकि हम लोग आ गए। तो ये जो है ना कुल्हाड़ा है, ये लकड़ी काट लेते हैं, देख सकते हैं तोड़ के इधर रख दिए। तो कुछ ये जो है ना मैं खाने इसमें कांटे भी लगे, बच्चों के साथ एक और चीज भी शेयर करी हूँ। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन मगरिब का टाइम है, और यहाँ पे भैंसों की चुवाई होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना वो भी आपके साथ शेयर करके उसकी जो चाय है वो भी हम बनाएंगे खाने के बाद, और बहुत ही मज़ेदार बनेगी चाय खालिश दूध की। और ये देख सकते हैं ये जो व्यू है, सूरज जो है ना गरूब हो चुका है तकरीबन, और सामने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह रबी अव्वल का चांद वो भी नजर आ रहा है इधर खुले माहौल में। सारा जो है ना ये भैंसों का ना बाड़ा है, बहुत सारी जो भैंसें हैं वो तो अब शायद नहीं है, बिक गई हैं क्योंकि काफी बीमारी भी आई थी यहाँ पे, तो मेरे ख्याल इन लोगों ने बेच भी दी है। तो देखते हैं आप कैसी होती है चुवाई यहाँ पे, और वैसे तो मैं पहली दफा कर रही हूँ चुवाई, घर भी लग रहा है, चले देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखें ये पहले ना अपनी माँ का दूध पिएगा, और फिर मुझे लगता है फिर इसके बाद जो है ना माँ दूध देगी। मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है पास जाते हुए, ये ना लग सा तुम्हारे जो गुस्सा कर रही है। हाँ मैं खड़ी हूँ ना तो वही तो कह रही हूँ, खड़ोते हैं तुम रही खड़ोती तो ये बाल्टी है इसमें हम करते हैं दूध की चुवाई। अब देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी गुस्से से देख रही है ये
मुझे डर लग रहा है। पीछा 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 एक पीछा तीन मोबाइल हटिए यहाँ पे जी जला रहे हैं आग, क्योंकि भैंस जो थी ना इनकी, वो हमें देख के ना पीछे हट गई है, उसने दूध ही नहीं दिया, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। इससे बेहतर है, क्योंकि चोट चोट लग जाती तो उससे बेहतर है मैंने उसकी चुवाई भी नहीं की, क्योंकि वो मालिक को ज्यादा अहमियत देती है, जो हम लोग हैं वो तो और लोग हैं, तो इसलिए वो जो है ना, हम उसने दूध देना ही छोड़ दिया। अब हम इधर आ गए खाना पकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट का भी मसला है, रात हो गई है काफी और मगरिब का टाइम हो रहा है, तो हम लोग जला रहे हैं आग, अब बनाते हैं खाना। खाली तो भाप लेने गया था, हाँ तो राइट नहीं बोल रही है ना, अम्मी चाय पकाऊं, चाय छोड़ दे, मैंने भी एक चाय बना, चल पकल चाय बनाओ। तो ये देख ग्रीफ एज रहता मेरी सराय की सुन के खिलने बैठे, चलो कोई डर नहीं, टूटी बनी जरिए सराय की ऐसा बोल गिन सुन। ए देखो जी चाय चढ़ी गई है, भाई बलीज गई है, इतना लकड़ी डाढ़े सोने झांपड़े तारे जल्दी नाल बाल में असा शहर एक बालू का देर नाल बल आपकी जो है ना जोयान की हंस रही है हमें देख के, बोलो पानी शानी पे बात आ गई, ये देखिए जी, ये हमारी जो गांव की खालिस दूध की चाय है ना, ये बन रही है, क्योंकि हम लोग सफर करके आए हैं, तो हमने यही बोला कि सबसे पहले ना हम लोग चाय पियेंगे, चाय के बाद जो है ना फिर ये सब चीजें जो है ना हमारी तैयार हो गई हैं। ये पानी भी इन्होंने पहले से पहले भर के रखा हुआ है, और ये प्याज है, ये देखें जी, यहाँ पे भी ऑयल की बोतल इस्तेमाल होती है, यहाँ पे भी सेहत के असूलों को ख्याल रखा जाता है, और ये जी अदरक लहसुन कोट रखे हुए मरो पैक उठा बिच खिलदा पे भी, ये माशाल्लाह से ये जो है कढ़ाई वगैरह है, ये देखें सारे मसाले भी उधर कट्ठे हुए पड़े हैं, तो एज रहता है देख लो एक खिलदा पे, तो मेरे को देख के मैं जरिए था इना कुछ लतीफा सुने नहीं, मैं तो खिलदा पे तो चाय हमारी ये जी है खालिस दूध वाली तैयार हो गई मजेदार, और यहाँ पे हमने आग भी बुझा दी है, क्योंकि चाय जो है ना काफी ऊपर आ रही थी। कढ़ाई भी हमने ना जो है इधर रख दी है चूल्हे पे, और आग हमारी वापस बुझ गई है, लेकिन ये जो आगे लकड़ियाँ जलेंगी ना पता भी नहीं चलना, क्योंकि उस वक्त चाय ऊपर आ रही थी, और ये चाय जो है ना मेरी तैयार भी हो गई है, मैं साथ चाय भी पी रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, इनके साथ बैठ गई हूँ, क्योंकि अकेली मैं बैठ ही सकती हूँ, तो इनके साथ गपशप भी होती रहेगी, और आपके साथ जो खाना हम बना रहे हैं वो भी शेयर करते जाएंगे। ऑयल डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बस वो
वाला से यहां से सही भेज देंगे। अभी तक ये तो सारे चस्का पर भी सुन रहा है। दिखा ना पर हाथ और बुल्लू ने को तो भी तो सुन ओ तो सुन अभी से लेना लगा आ रहा सबसे पहले डाली हमने प्याज, प्याज के बाद उसके बाद ये अदरक लहसुन है ये भी पीस के इन्होंने रख दिया। शहरी तक गैस भी रहा था आधे घंटे वास्ते आंधे पर चला में उन्हें तब रोटी हांडी नहीं पकती उन्होंने कोई तलक रहे ये भांबड़ भू बंदे तो असल दे रहे हैं तो लाल थी ना बन हाँ थोड़े थोड़े लाल थे पे कौन जब बेची में ना जे तो उसका असल था पे बलेने बैठे होने लकड़ी बलेने बैठे होने गैस आप यहाँ तो कितने मिल गए अंतर के वो तो मेरे मिल गए शहर के लोग शहर हाँ वो तो मेले वैन बे जिना दिभाणी शाणी होने तो वाला सफेद फार्म लगा हुआ है हां हां मतलब 1 रुपए दी 1 थापी दी कितने दी 1 रुपए दी 1 एक रुपया दी एक थापी तोरे तो गोबर रुला पे सारे तो माल चाड़ चाड़ के चाड़ चाड़ के गांधी कर रखे उठा तो हर चीज पैसा ना जिनो लकड़ी लकड़ी मोल दे खापे मोल दे हर शय मोल दी इतना खर्चा बारह ने पढ़ाया था बस हर बंदा उसका परेशान है। ये जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी चला गया। ये भी हम सादा तरीके से बना रहे हैं ये गांव वाले तरीके से सादा खाना बहुत ही मज़ेदार और लकड़ियों वाला खाना जो यहाँ की कपास की लकड़ियाँ होती हैं ताली की लकड़ियाँ पता नहीं क्या कह रही हैं मौसी की भी लकड़ी आके वे काली जी हाँ ये गाल रखी है पर ये कच्ची जितनी कच्ची अच्छा कच्ची सही माशाल्लाह ये देखें ये जो है ना देसी मुर्गी ले आए हैं भाई हम और ना ये अब इसको गलते हुए भी टाइम लगेगा ये देखा ना क्या मुर्गी की में लगता इन्हें नहीं पक्का है इन्हें नहीं लगता क्या ना लगता मैं कि इधर नाल नाल गाली बेची था हाँ सर छोड़ वाले टमाटर ही ना लगते भुनी जैसी सारे आज ग्रेवी नहीं चाड़नी पहले आएंगे तो ग्रेवी चाड़ देंगे इसे सिलेंडर वाले साथ से बैठे हाँ मैं उन ही साथ में बैठी हम तब भाई गैस वाले या लकड़ी होते वाले सारी ग्रेवी सारी उतना कर चलो एक मसाले दो ये वाले हो तो चम्मच ये वाले वो किचन चीज़ है ना इन्हें इन्हें खाओ ये तेज हैं तो हल्के हैं सही है बहुत तेज है ना हलदरी आई अखी रूटी बैठ बैठी अखी रूटी बैठी चावल बैठी चलो ए जी है टमाटर वगैरह खा छोड़े पिसे खुश्क धनिया अज मैं यक्का जे रहा था नीरा सराय की बोली नहीं पई सावे मर्चा खा छोड़े तारे सावे मर्चा की भा लगी पई है 100 रुपए पा थे पे शहर 400 रुपए किलो है नहीं जी हाँ इतना ही नहीं हाँ इतने देहात है पे देखो नमक घटे भला चाय क्या नहीं आई है चूल्हे हाँ नमक दे बगैर दे हांडी अधूरी सारे मसाले घटे से नमक ना घटे से तो हांडी फीकी
कोई खास स्वाद नहीं। एक माचिस सही है मेरे को मुक गई है। एक फुकड़ी रखो जता हल्का में ढक के रखो जता ऐसा रखो मसाले गाल वैसी गोश्त। चला ये देख सकते हैं हमारा जो देसी मुर्गा है ना इसकी फाइनल लुक। अब हम आपके साथ खाते हुए शेयर करेंगे। और उधर जो है ना हमारा तंदूर भी जल के तैयार हो गया। अब तंदूर पे बनेंगी अब रोटियां। पक गया जी सारा पालक माशाल्लाह। ये देखेंगे भैंस उस वक्त दूध नहीं दे रही थी और अब इसने ना ये देखे माशाल्लाह ये देखे खालिस दूध। हम लोग अंदर हैं तो उसने दिया दूध, हमें देख के चिढ़ गई थी। तो यहाँ पे जी हम लोग बना रहे हैं रोटी और मजेदार तंदूर वाली। इधर अंधेरा भी बहुत हो रहा है। क्या कह रहे हो? माशाल्लाह ये यहाँ पे ना रोटियां देखे कितनी सारी हैं। ये जो जानवर है ना इनके घर के कुत्ते बिल्लियां बकरियां ये सब रोटियां खाते हैं तंदूर वाली। वो देखे वो जो है ना सामने तंदूर की रोटियां और बहुत ही मजेदार। चलो कितने अच्छे तरीके से ना इन्होंने खाना सर्व किया। ये देखिए ये माशाल्लाह कोरमा है वही देसी मुर्गा जो हमने बनाया है। और इधर तो खा भी अंधेरा था क्योंकि किचन में बर्फ वगैरह नहीं था। और ये माशाल्लाह सलाद है। सलाद देखिए ये देखिए कितना प्यारा सलाद कटा हुआ। और साथ में ही उन्होंने स्प्राइट की बोतल रखी है। ये माशाल्लाह से पानी है ठंडा ये देखो। और ये जो है ना हमारी तंदूर वाली रोटी ये देखो माशाल्लाह रोटी कितनी प्यारी है। और घर की खाली गंदम की रोटी है। और जिस जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना है वो आए आ सकते हैं हमारे साथ खाना खा सकते हैं। और हमारा ब्लॉग जो होता है रात का खाने की रूटीन का यहाँ तक होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।